लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। पंचायत भवन जर्जर होने के कारण खुले खेत में लगाया गया जन चौपाल। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्राथमिकता अभियान चलाकर सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और विद्यालय निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत भंडिया में पंचायत भवन जर्जर होने के कारण खुले खेत में ही प्रधान को जन चौपाल लगवाना पड़ा। जन चौपाल के मुख्य अतिथि नोडल अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह रहे और ग्रामीणों को सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के विषय में भी बताया। साथ ही जन चौपाल में बाल विकास कसमंडा की CDPO प्रभारी अंजू ने भी बाल पोषाहार से संबंधित कई जानकारियां दी। लघु सिंचाई विभाग से JE अजय कुमार, कसमंडा ADO पंचायत सचिव हिमाली पांडे व ब्लॉक के अन्य अधिकारी के साथ भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जन चौपाल के दौरान अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास पात्रों के बारे में बताया गया। ग्रामीणों ने जन चौपाल के दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों ने आवास, नाली निर्माण, शौचालय निर्माण को लेकर शिकायती पत्र भी दिए। प्राथमिक विद्यालय भांडिया के पास खुले खेत में लगाए गए जन चौपाल से कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या पंचायत भवन निर्माण न कराकर खुले खेत में जन चौपाल लगाना उचित है? क्या प्राथमिक विद्यालय के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर जन चौपाल का आयोजन किया गया तो विद्यालय के परिसर में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा या नहीं? क्या सरकार के प्राथमिकता अभियान के द्वारा पंचायत भवन निर्माण न कराकर इसी तरह ग्रामीणों को खुले खेत में जन चौपाल जैसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना पड़ेगा? सीतापुर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए संवाददाता मंजीत यादव की खास रिपोर्ट। उसको जो है किस तरह से लाभ पाते हैं और वो ये चौपाल का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण जन को सामान्य जानकारी योजनाओं के बारे में हो। जब तक आपको जानकारी नहीं है तब तक आप किसी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले उसके लिए भी एक व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जो भी इस गांव का पंचायत भवन है उस पंचायत भवन पर एक बैनर बोर्ड टाइप लगा दिया गया है। जब भी आप लोगों को कभी समय मिले तो वहां जाकर के सारी जो भी ग्रामीण स्तर पर योजनाएं संचालित हैं उनमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, सामान्य जानकारी अंकित है। इसके अलावा जो हमारा जो एक कार्मिक रेगुलर जो है पंचायत भवन में रहता है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे जो ग्राम सचिव हैं, ग्राम सचिव भी। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।